तो ये बात यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई और असली जो चीज़ें है वो अब स्टार्ट होती है। ट्रिप का हमारा 2 दिन निकले, जो असली बात और मेन मुद्दे की बात है जो आपको मैंने बताने के लिए, बस बात ये है सारी। अगर पहाड़ों पे जा रहे हो, अगर तुम लोग पहाड़ों पे जा रहे हो ना, तो तुम्हारे पास बैग में 1 लीटर पेट्रोल तो तुम्हारे पास होना चाहिए, नहीं तुम्हें 3, 4, 5, 10 किलोमीटर तक तुम्हें अपनी बाइक धक्का मारना पड़ सकता है। ठीक है, तो हमारी किस्मत अच्छी थी। चलो शायद बंद होने वाला होगा, वो सब बताओ। तो गाइस लाइव वाटरफॉल में मजा आया, मतलब कि नहाली है, मतलब फ्रेश हो गई पूरी ना, थकावट दूर हो चुकी है। नेक्स्ट लोकेशन भी पता तो है नहीं, पर लेके चलते फिर। ग्लो बढ़ा रहा है फेस पे, क्या चक्कर है ये? नेचुरली मतलब कि नहीं, जो पानी भी थोड़ा नेचुरल है इसमें ना, कि थोड़ा ज्यादा स्किन थोड़ी सी इंडिया में स्किन थोड़ी सी ना ग्लो करती है। नेक्स्ट लोकेशन भी लेके चलता हूं। हम ये जाना चाहते हैं। तो गाइस फाइनली हमारा वाटरफॉल का दौरा भी हो चुका है कंप्लीट। ठीक है, और अब हम जा रहे हैं अपना कॉटेज में, क्योंकि अभी हिमाचल हम है रहेंगे, 1-2 दिन और रहेंगे अभी हम ना। हिमाचल हम लंबाई सोच के आए थे कि भाई लंबाई टूर लेके चलेंगे, हम 3-4 दिन का रहेंगे यहाँ पे और अभी एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं यहाँ से वापस ऊपर की तरफ। राहुल भाई कैसा मजा आया? मजा तो एक नंबर आया, मतलब कि ना यार लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है। आया स्वाद, पूरा स्वाद आ गया। स्वाद क्या, सबसे अच्छी चीज क्या लगी यहाँ का? जो लाइव वाटरफॉल हो रहा है ये। और सबसे बुरी चीज क्या लगी? ये जो कचरा वगैरह है सारा ना यहाँ पे, मतलब कि लोग आते हैं पानी दारू वगैरह पीते हैं यहाँ पे ना, बोतल वगैरह ऐसी डाल देते हैं, तो ये चीज मत करा। क्या करो यार, मतलब थोड़ा सा हम क्लीन कर ही सकते हैं ना। हम क्लीन कर सकते हैं, मेरे से भाई जितना बना मैंने बोतल वगैरह सारी साइड वगैरह किया, और अभिषेक भाई ने भी साथ में मिलकर मैंने ना यहाँ पे ना थोड़ी सी सफाई किया, तो काफी अच्छा है। मतलब ठीक है ना, फैमिली वगैरह आती है, थोड़ा सा ध्यान रखें। ये देख रहे हो, इससे मतलब कि ना वाटर जो आ रहा है ना उसकी ब्लॉकेज हो जाती है पानी की, तो थोड़ा इन चीजों का ध्यान। मतलब देख रहे हैं खूबसूरत नहीं लगता हमारे ना, कैसे बोतलें फंसी हुई है ना, कोल्ड ड्रिंक की, दारू की, बियर की, मतलब वो कैसे फंसी। चीजें अच्छी लगती है, अपनी ही प्रॉपर्टी है उसको ना प्यार से मतलब की रखा करो, जैसे अपने घर को रखते हैं। भाई यहाँ कहाँ जा रहे हो? देखो यार मैं रास्ता ही भूल गया भाई, पहाड़ी लग गया, यहाँ को जाना है। तो दोस्तों चलते हैं यहाँ से अगले आगे की तरफ। यार वो निकाल लो, नाशपाती निकाल लो, हमारे पास ना नाशपाती है जो हमने रास्ते से बाग में से तोड़े थे, हम वो खाएंगे अभी ऊपर चल के। तो ऊपर चलते हैं सबसे पहले। चलो हम यहाँ से अब वापस चलते हैं, क्योंकि अंधेरा हो जाता है ना फिर यहाँ दिक्कत होती है बहुत ज़्यादा, बाल भी ख़राब हो चुके हैं। वरना ये क्या है, ये गीला नहीं हूँ मैं, ये पसीना आ रखा है एकदम खतरनाक वाला। तो मज़ा आ गया यहाँ पे बहुत ज़्यादा। तो अब चलते हैं यहाँ से हम सीधा कॉटेज पे, थोड़ा सा कुछ खाएंगे तो उसके बाद कॉटेज पे जाएंगे, फिर मिलते हैं हम आपसे पहुँच के। भाई अगर राहुल भाई तेल मिल जाता ना तो मजा आ जाता। तो भाई लाया हूँ ना। क्या है ये, देख बैग में क्या ले गया हूँ मैं राहुल भाई, और वहाँ पे एसेसरी ना हो ऐसी। ये यार अगर कुछ खाने को फ्रूट वगैरह मिल जाते तो यार ले ना, लाया हूँ ना भाई है। ये देखना ये क्या लेके चल रहा हूँ मैं साथ में। अच्छा। भाई जंगलों में घूम रहे ये चीज लेके चल रहा हूँ, ऐसा हो नहीं सकता भाई। यार अगर ट्राइपॉड होता ना तो शूट भी कर लो। ये लाया हूँ ना, साथ में टावल भी है मेरे पास भाई। चलो चलो फिर यहाँ से, तो चलते चलो। भाई अभी ना तेल खत्म हो गया था, तो भैया ने ना अपनी बाइक में से तेल निकाल के दिया यार हमें। तो हिमाचल में आए थे कुछ अच्छे दोस्त। तेल क्यों खत्म हो गया पता ही नहीं चला ना, पहाड़ पे ज्यादा लगता है तेल यार, हमें अंदाजा ही नहीं रहा तेल का कि एवरेज वगैरह का। चलो डाल देते। ठीक है, थैंक यू भैया। पेट्रोल वहीं खत्म हुआ दुकान के साथ में, वो बंदा पेट्रोल जो हमने दिखाया, बंदा पेट्रोल बंदे ने दिया नहीं था, बेचा था इसने पेट्रोल में, तो हमने पेट्रोल को सेल किया था, तो ये था। तो हमने तो वैसे ही बोल दिया था कि भाई वो गुंडा कह रहा था ना कि चलो यार अच्छा नहीं लगता है ऐसे इलीगल है ना ऐसे पेट्रोल बेचना दुकानों पे, तो पेट्रोल पंप में। इसलिए ऐसे भी लोग हैं यार दुनिया में ना, हिमाचल काफ़ी अच्छी जगह है।
तेल खत्म हो गया था भाई पहाड़ में, तो अंदाजा ही नहीं था भाई कि तेल का कुछ मतलब तेज तेज चला रहे थे ना यहाँ पे थोड़ा सा ना, मतलब जो पहाड़ था ना वहाँ तेज चला रहे थे, मतलब इतनी तेज नहीं चला रहे थे तो घूम 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 हो गया तेल खत्म हो गया, तो थोड़ा हमारा वेट भी ज्यादा है ना इसलिए, तो इस वाले वेट की बात तो आ गई है। तो यहीं से हम अपना यहाँ पे कल है, कल भी हम यही रहेंगे, उसके बाद हमने जाना रायपुर मैदान, ठीक है वहाँ जाएंगे दो दिन, वो ऊना के उस साइड मतलब पंजाब से आगे जाके पड़ता है वो हिमाचल में, पंजाब वाली तरफ से जाना पड़ता है उसके लिए हमारे को, तो उसके लिए हमें क्या कहाँ जाना है क्या बोलते हैं उसे, हाँ रायपुर मैदान, वहाँ पे क्या है वहाँ पे शिवजी का मंदिर है भाई, बहुत खतरनाक भोलेनाथ का मंदिर है, वहाँ जाएंगे दो दिन, एक दिन कल यहाँ फिर दो दिन वहाँ, फिर उसके बाद तीसरे दिन आज चौथे दिन से हमारा क्या हो जाएगा स्टार्ट हो जाएगा अपना, चौथे दिन से हमारा स्टार्ट हो जाएगा भाई फैट टू फिट चैलेंज, जो रहेगा 15-21 दिन का चैलेंज करेंगे, 21 दिन का, 21 दिन सिर्फ आपको वीडियो मेरे व्लॉग चैनल पे देखने को मिलेगी सिर्फ और सिर्फ फिटनेस की, जो भाई मैं डेली करूंगा, डेली लाइफ अपना दिखाऊंगा कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। चलते अब यहाँ से पहले हम अपने कॉटेज की तरफ, रेस्ट करते चलते, तो अभी मैं और राहुल भाई आए हैं कॉटेज में जहाँ पे हमने रुकना है आज, ठीक है तो नीचे चल रहे हैं जहाँ पे हमारा रूम है, तो मतलब बड़ा मस्त है यार ये ना जगह ना, मतलब फील आता है, हाँ फील आता है, अभी आपको मैं दिख नहीं रहा हूँ, नीचे जाऊँगा थोड़ा सा फिर देखूँगा, क्योंकि बाहर से ना अब लाइट है देखो बाहर ना, मतलब मस्त राहुल भाई यार वीडियो नहीं भेजी मैंने यार, तो क्या हो गया, नहीं यार पता एक चीज़ बताओ क्या हो गया, कहाँ जा रहे हो भाग कर रहे हो डर के, कहानी यहीं पे ख़त्म नहीं हुई है, कहानी तो अब स्टार्ट होगी अगले, जो मैं दिखाने आपको गया था हिमाचल वो आपको अगले व्लॉग में देखने को मिलेगी, जो हमारा का हेवन टच रिजॉर्ट है, वहाँ जाते जाते हमारे साथ इतनी भसड़े हुए ना, इतनी भसड़े हेवन टच रिजॉर्ट, तो मतलब ना नेक्स्ट लेवल कहते हैं ना जिसे, वो नेक्स्ट लेवल वहाँ था हिमाचल जो भी है वो ना हेवन टच, हेवन टच तो मतलब तुम जाओगे तुम सारा कुछ भूल जाओगे, तो बोलोगे यार यही है जगह जो है ना, अब सुबह के टाइम पे जाओगे ना सुबह मॉर्निंग टाइम पे जाओगे जल्दी 5-8-9 के बीच में, तो वो तुम्हें वहाँ पे एक पहाड़ सिंगल पहाड़ देखने को नहीं मिलेगा, वहाँ पे बादल की ना परत चढ़ जाती है पूरे पे, तो वहाँ पे पहाड़ ही नहीं दिखते, वो हेवन टच। वहाँ तक हम अपनी होंडा शाइन बाइक चला के गए थे दो बंदे, टोटल वेट हमारा होगा 200 किलो प्लस होएगा ना, 200 किलो प्लस वो वेट उठा के गए थे, और हमारे बैग भी कम से कम 20-25 किलो के हमारे बैग थे जिसमें फ्रूट्स थे बहुत सारे जो हमने वहीं से तोड़े थे, तो यही सीन था बस है ना सारा, बाकी जो लड़ाई जो डिबेट थी, डिबेट वो किसके लिए है, वो डिबेट है मेरी और राहुल भाई, क्यों, क्योंकि यही था वीडियो में, अगली वीडियो में जो होने वाला है तो देखना, बड़ा मज़ा आने वाला है, हेवन टच जटोली का शिव मंदिर है जो भाई हिमाचल का नहीं पूरे इंडिया का एशिया का सबसे ऊंचा शिव मंदिर, जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ अगले ब्लॉग में, ठीक है तो मज़ा आने वाला है काफ़ी ज़्यादा आपको, तो चलते हैं बस फटाफट से है ना, तो खतरनाक वाला सीन होने वाला है अगले ब्लॉग में, तो ना खतरनाक वाला सीन होने वाला है खतरनाक, ये तो चलो हम ट्रैवल घूम ऐसे गए थे है ना, बस जो अगले ब्लॉग है ना उसमें आपको चीज़ें देखने को मिलेगी, बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी, तो बने रहना अगले ब्लॉग में, तो चलते हैं भाई यहाँ से फटाफट से, बारिश स्टार्ट हो गई तो निकलना है यहाँ से फटाफट से, चलो चलते हैं भाई बारिश स्टार्ट हो गई है देखो, और चलते हैं फटाफट से अगले ब्लॉग, अगला ब्लॉग देखना, अगला ब्लॉग और भी ज़्यादा खतरनाक, मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, टाटा बाय।